कांगड़ा जिला के 15 ब्लॉकों के 452 गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने की स्वीकृति मिली है। इस योजना के तहत प्रति परिवार 1.30 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। ये राशि 3 चरणों में 50%, 40% तथा 10% के हिसाब से दी जाएगी। वहीं इस संबंध में लाभार्थी पहले कहाँ रह रहा था, अब कहाँ मकान बनाएगा के साथ साथ नींव सहित लेंटर तक के हर चरण जियो टैगिंग का प्रावधान रखा गया है। इसकी विशेष बात ये रही कि ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत ऑनलाइन है, जिससे कोई भी ऑनलाइन देख या जान सकता है कि लाभार्थी के मकान के निर्माण का कौन सा चरण चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पिछले साल कांगड़ा जिला के 776 गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने की मंजूरी मिली थी, जिसमें सभी परिवारों ने अपने पक्के मकान बना लिए हैं। मैं प्रधान ग्राम पंचायत नरवाना खास बहादुर सिंह, हमारे गांव से 2 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैंक्शन हुए हैं, जो गरीब लोगों के लिए आर्थिक सहायता की बहुत अच्छी सुविधा है। हम सरकार से और चाहेंगे कि ऐसी योजनाएं लगाई चालू की जाएं, जिससे गरीब लोगों को अच्छी से सहूलत मिल सके। और जो इन्होंने जो कच्चा मकान ना बना सकते थे, उन्होंने आज सरकार की आर्थिक सहायता से पक्के मकान बना रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवादी हूँ और आपका भी, हमारे GTV का भी मैं धन्यवादी हूँ, जो हमारी पंचायत में पधारने के लिए आए और उन्होंने मकान को देखा। मेरा नाम प्रेमचंद है जी, मैं खास निर्माणा पंचायत कनवासी हूँ और मुझे प्रधानमंत्री योजना के तहत से पैसा मिला है और मैं बड़ा खुश हूँ और मिलना चाहिए गरीबों को। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत पूर्व कांगड़ा जिला मनरेगा के तहत जियो टैगिंग में देश में अव्वल रहा था। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रागपुर ब्लॉक पहले व धर्मशाला ब्लॉक दूसरे स्थान पर रहा था। इससे पहले 19 जून को उपायुक्त कांगड़ा ने दिल्ली में जिला की नगरोटा सूरिया ब्लॉक की कुठेड़ पंचायत में मनरेगा के विकास कार्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश में सम्मान जीता था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी व पंचायत प्रधान बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि इस योजना के तहत जो लाभार्थी पहले कच्चे मकानों में रहते थे, अब वे अपने पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016-17 से शुरू की गई है। जिला कांगड़ा में 2016-17 का जो लक्ष्य था वो 776 मकान बनाने का था। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक मकान बनाने के लिए जो भारत सरकार से पैसा आता है वो आता है 1,30,000 रुपए पहाड़ी राज्यों के लिए। अब पहाड़ी राज्यों में जो पहले मकान, पहले भी हाउसिंग स्कीम्स थी, उनके अंतर्गत भी मकान बनते थे, लेकिन जो इसमें जो डिफरेंस है मकान बनाने के लिए वो है जियो टैगिंग का। पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है और जो लाभार्थी है उसको सीधे सीधे बेनिफिट है इसका, क्योंकि जो पैसा है वो सीधे अकाउंट में, किसी उसको किसी प्रकार का इंतजार नहीं करना पड़ता है। सारे का सारा पैसा जो है, जैसे ही वो जिस स्टेज को कंप्लीट करता है, जैसे मान लीजिए उसने अपनी फाउंडेशन भर ली है, तो उसको जो प्रथम किस्त के बाद दूसरी किस्त जो है वो लेंटर लेवल पे मिलेगी। तो जैसे लेंटर लेवल की इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो अपने MIS के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से एंटर होगी, सीधा पैसा उसके दूसरी इंस्टॉलमेंट भी उसके अकाउंट में भारत सरकार द्वारा सीधे डल जाएगी विद इन नो टाइम। ये पहला जो 2016-17 का लक्ष्य था वो 776 मकानों का था। इस वर्ष 2017-18 के लिए जो भारत सरकार ने जिला कांगड़ा के लिए जो मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है वो है 452 मकानों का। एक मकान के लिए 1,30,000 मिलते हैं। इस प्रकार से 452 मकानों का 5,87,60,000 रुपए बनते हैं। लगभग 6 करोड़ रुपया जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2017-18 में जिला कांगड़ा में खर्च किया जाएगा। थैंक यू सर।